बिहार मोदी लालू यादव से डर गया है और 2024 के चुनाव आ रहा है तो जनता को भटकाने के लिए ईडी और सीबीआई भेजा है डर के। कहाँ है अमित शाह जो बोल के कि बिहार में नीतीश कुमार का दरवाजा बंद है, बंद है, तो खिड़की बंद। कहाँ गए अमित शाह? अब बोली नहीं खुल रहा है उनका। अरे नीतीश 74 को दांत है, पहले 75 को, 74-75 को दांत हो गया। ये लालू प्रसाद यादव से जब जब मोदी डरते हैं तब तब ईडी का इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े तानाशाह और बादशाह जन्म लिए और मिट्टी में मिल गए। जब अंग्रेज का सूर्यास्त हो गया एक दिन भाजपा का और ये मोदी का भी सूर्यास्त होगा। कोई मामूली जगह नहीं है भैया, ये लोग को एक दिन मिट्टी में मिलना होगा। बीजेपी के जाल में फंस चुके हैं नीतीश कुमार। बिहार में सरकार बदलते ही ईडी को लगा दिया गया है। तेजस्वी यादव ने कल बयान दिया था कि एक खेल अभी बाकी है और जो मैं कहता हूं वह करता हूं। क्या इससे मोदी जी डर गए हैं? क्या इससे बिहार की सरकार डर गई है, भाजपा की सरकार डर गई है? लालू यादव जी को रातों रात समन भेजा जाता है। देखिए ईडी दफ्तर है और इसमें यहाँ पे लालू यादव जी के साथ पूछताछ की जा रही है। लंबे 2-3 घंटे से उनसे पूछताछ चल रही है और ईडी क्या अपनी विश्वसनीयता खो रही है? जिस प्रकार से ईडी की जो कार्रवाई देखने को मिली है उसको देख के कुछ ऐसा ही लगता है। यहाँ आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता इन लोगों से बात करेंगे। ईडी का विश्वसनीयता खत्म हो गया सर? अब बचा हुआ भी है थोड़ी हो। ये तो मतलब पूरी तरह, अच्छा हमारे नेता कई बार बोल चुके हैं, ये तोता की तरह काम करता है। इसको तो भाई हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव से जब जब मोदी डरते हैं है ना, तब तब ईडी का इस्तेमाल करते हैं है ना। लेकिन इससे जरा सा भी हम लोगों के सिकन चेहरे पे सिकन नहीं है। क्या मजबूती से उनको ये जो 24 में लोकतंत्र का महासंग्राम होना है उसमें बुखार छोड़ाएंगे उनका। क्या लगता है? तेजस्वी यादव ने कहा एक खेल अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, दोस्तों कुछ भी हो सकता है। क्या इससे डर गए हैं भाजपा मनोबल बढ़ाने के लिए? असली खेल तो हो गया, इतना रोजगार मिल गया। अच्छा, और हमारे कमांडर इन चीफ है हमारे पार्टी के तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो बोलते हैं वो करते हैं और लोगों का विश्वास उन पर बढ़ा है। अभी 34 बरस एज है और सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं और उनके काम सिख देख कर सबको जलन हो रहा है और तभी ईडी और सीबीआई लगा रहा है लोग। सरकार बने एक दिन नहीं हुआ और ईडी लालू यादव को खींच लाई। लालू को कौन खींच के लाएगा? जन नायक है, गरीबों के नेता है, बड़े बड़े तानाशाह और बादशाह जन्म लिए। अच्छा। और मिट्टी में मिल गए। जब अंग्रेज का सूर्यास्त हो गया एक दिन भाजपा का और ये मोदी का भी सूर्यास्त होगा। ये लोग जो धांधली कर रहा है कब होगा? बिहार बड़े बड़े लोगों को जवाब देता है सर, बड़े बड़े बिहार मिसाल कायम करता है, उसी पर देश चलता है। कोई मामूली जगह नहीं है बिहार। और लालू जी के लोग मानने वाले हैं और लालू जी गरीबों के दिल में हैं और ईडी और सीबीआई और भाजपा के डर से लालू जी कभी डरे हैं? कभी तेजस्वी जी डरने वाले हैं? हम लोग राजद के नेता हैं, विधायक, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग जनता के लोग हैं। ये लोग जो खौफ बना रहा है देश में और दबंगई कर रहा है, जो इन लोग से नहीं मिल रहा उसको मिट्टी में मिला देता है, उसके पार्टी को तोड़ देता है, जबरदस्ती पकड़ कर जेल में बंद कर देता है, इससे डरने वाले लोग हम लोग नहीं है। इन लोग को एक दिन मिट्टी में मिलना होगा, ये लोग मिलेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता बोले हैं सर कि जो भाजपा की तरफ जाता है दो कारण से जाता है, या तो ईडी वाला मामला होता है या सीडी वाला मामला होता है। तो नीतीश जी का ईडी का मामला है कि सीडी का मामला है? वो तो जाके उन्हीं से पूछिएगा। दोनों मामला है, ईडी और सीडी दोनों मामला है। किनका सर? वो जिनका नाम सीडी आप रख रहे हैं, दोनों कारण जिनका नाम ले रहे हैं आप, उनका क्या सीडी में क्या है? आप लिए ना, आप बोलिए सर। जिनका नम्बर तो आप ले ही लेते, हम हुकारी भर रहे हैं ना। अरे तो नाम तो आप ले ही लिए, नाम तो आप ले ही लिए, समझे ना, नाम तो आप ले ही लिए। क्या लगता आप लोग? सुनिए आप लोग, कैसे खेला 24 में होगा सर? तेजस्वी बोले 24 में जदयू खत्म, निश्चित जदयू खत्म होने का तेजस्वी यादव जी ने पिछले 17 महीनों में पूरा डायग्राम तैयार कर दिया, समझ गए ना। और जिस तरह काम किया उन्होंने 17 महीने में, ये पूरे बिहार ही नहीं देश के युवा सलाम कर रहा है उनको। और उसी के चलते इन लोगों को परेशानी हो गई कि भाई कह रहा है कि हमको भी नौकरी दो अन्य राज्यों में, इन लोग से तो जुट नहीं रहा है। इसी के चलते ये परेशानी में डालने के चलते
ये लोग अलग हुए हैं। आप अलग कैसी त्यागी कर रहे हैं कि इनको वैल्यू नहीं दिए थे आप लोग नीतीश जी को? हम लोग तो कोई अभी आप मीडिया के साथी से हम अपील करते हैं, मीडिया के साथी से हम अपील करते हैं कि आप कैमरा से पूछ लीजिए उन जाके उनसे, नीतीश कुमार जी से, कि तेजस्वी यादव ने कहां आपको परेशान किया, कहां परेशान किया? 79 को विधायक हम लोग का, उनका 43 विधायक कभी न वैल्यू के मुख्यमंत्री बने। मांझी जी एक बड़ा चीज बोल दिए हैं कि अब तक होता था कि नीतीश कुमार अपनी मर्जी से चलते थे, अब चिमटा भाजपा के पास होगा इसलिए हम आए हैं। ये सही बोले हैं, हम लोग के गार्जियन है, महापुरुष है, वो बोलते हैं ऐसा ही नहीं, पूरा उनको जानते हैं जी कैसे ही लोग चलते हैं। बोल रहे हैं तो माझी जी जो बोले थे वही सब हो जा रहा है। अगर चिमटा से चलने वाला तभी बोले होंगे। अभी बोले हैं तो? अरे अभी बोले तो वही ना बोले, एक दिन पहले बोले हैं तो उनका सब सब तो चिमटा किसका है? भाजपा का नहीं। चिराग जी बोलते थे मेरी हत्या कराना चाहते हैं नीतीश कुमार, तोड़ दिए थे उनका, जो है मट्टी पलट हो गया, बीजेपी के जाल में फंस चुके हैं नीतीश कुमार। आने वाला समय में बीजेपी ही उनको बर्बाद करके रखेगी। अब देखते रहिए, ज्यादा नहीं 6 महीने के अंदर इसकी सरकार गिरने वाली है और फिर तेजस्वी की सरकार पूरी बहुमत के साथ बिहार में आएगी। बीजेपी का तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अनाउंस किया था कि जितने भी क्षेत्रीय दल है उसका सत्यानाश हम करेंगे, वह चले गए हैं, है ना। अब इनको सत्यानाश होने से कोई बचा नहीं सकता है, कोई नहीं बचा सकता। तो आज लालू यादव को इस तरह से पूछताछ की जा रही है, अब भाजपा वाला कह रहे हैं कि आधा परिवार जेल चल जाएगा, भाजपा के नेता बोल रहे हैं कोई जेल नहीं जाएगा। जेल नहीं जाने देने के लिए बिहार की जनता खड़ी है। जनता जेल जाएगा। नरेंद्र मोदी लालू यादव से डर गया है। जब 2022 में आरजेडी की सरकार आई ना, तो 17 महीने में आरजेडी इतना काम किया कि अब अगर बीजेपी सरकार में आई है तो सोच रहे हमको भी काम करना पड़ेगा। और 2024 के चुनाव आ रहा है तो जनता को भटकाने के लिए ईडी और सीबीआई भेजा है डर के, समझे। यूपी वाले को रोजगार हम दे, राम जानकी हॉस्पिटल बिहार में हम बनाए, 27 साल बाद बिहार में क्रिकेट हुआ, 5 लाख रोजगार नौकरी मिला, 10 लाख रोजगार की प्लानिंग चल रहा था, गया पर्यटन विभाग में काम चला, ये सब से डर गया। मेडल लाओ नौकरी पाओ, तेजस्वी जी का नाम नारा है, मेडल लाइए नौकरी पाइए। युवाओं को, महिलाओं को उसने अधिकार दिया, सबसे ज्यादा महिलाओं को नौकरी देने का। पहले माँ बाप जो है ना हम लोग के खेलने नहीं देता था, कि लालू जी घर में खाना नहीं बन रहा है। अरे उनको जो है ना चैन का नींद नहीं सो सक रहे हैं, इसीलिए वो रात भर जगते हैं, वो लोग परेशान है। बताइए लालू जी अगर चोर होते हैं, चुकी है लालू जी, अगर मान लेते लालू जी चोर थे तो रेलवे फायदा में था सबक सिखाने के लिए। ये मोदी जी को, अच्छा ये अमित शाह जी कहाँ गए, अब तो पता नहीं चल रहा अमित शाह कहाँ चले गए, कहाँ है अमित शाह जो बोल के कि बिहार में नीतीश कुमार का दरवाजा बंद है, बंद है तो खिड़की बंद, कहाँ गए अमित शाह? अब बोली नहीं खुल रहा है उनका, बिहार में आएंगे उनकी जनता जो है भारी अपमान करेगा, बिहार की जनता के साथ अपमान किया ये अमित शाह, बिहार की जनता को, उनका ना वाक का वजन है ना वैल्यू है, कुछ हम लोग नहीं समझते हैं। अरे नीतीश 74 को दांत है, पहले 75 को दांत हो गया अब उनका। सुनिए ना, यही नीतीश कुमार मांझी जी को कितना अपमान किया, आज मांझी जी को पता नहीं क्या हो गया कि उनके बगल में बैठ रहे हैं, कितना अपमान किया, वो अपमान बोल भी नहीं सकते हैं। एक दलित समाज के इतना बड़ा नेता को ये नीतीश कुमार कितना अपमान किया है, पता नहीं किसको किसको अपमान करके छोड़े। गिरा दीजिए अगर सरकार आप लोग, एकदम गिराए या ना गिराए, आगामी चुनाव में बहुमत के साथ तेजस्वी की सरकार पूरे बिहार में बनेगी। एकदम निश्चित, जो मेरा नेता बोलते हैं वही होता है। लालू जी पे ईडी सीबीआई भेजा, दुनिया जानती है कि लालू जब रेलवे मंत्री में थे तो रेल फायदा में था। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।